Class 10, good morning all of you. Subject science, the chapter 3 is metals and non-metals. In our previous class, we have learned about what is metals, what is non-metal, and what are the physical properties of these metals and non-metals. Now, we have taken a new topic next, chemical properties of metal. Previous class, physical properties, in this class, we have learned about chemical properties of मेटल्स. यहाँ पर हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. आपके मेटल्स की रिएक्शन एयर के साथ कैसी होगी वो हम इसमें देखेंगे. फर्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखी हुई है मेटल प्लस ऑक्सीजन. एयर के साथ होगी तो किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करेगा. ये आपकी जनरल रिएक्शन है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसका एग्जांपल. एग्जांपल में लिया है हमने कॉपर प्लस ऑक्सीजन. जब Cu मींस कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कॉपर ऑक्साइड को ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा. यहाँ पर हमने बैलेंस की हुई है रिएक्शन 2Cu 2Cu, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2. ये क्या हो गया आपकी कि किसी भी मेटल की जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या फॉर्म करेगा, आपका हमेशा मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करेगा. नेक्स्ट एग्जांपल लिया है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का. तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा. फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन. अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करे या मेटल ऑक्साइड फॉर्म करे तो उसमें एक जैसी ही प्रॉपर्टी हो. उसमें क्या हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है. तो यहाँ पर कुछ आपके ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं जिनकी रिएक्टिविटीज ऑक्सीजन के साथ कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, मीन्स अलग अलग होती है. जैसे हमने यहाँ पर देखा तो कॉपर और एल्यूमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी तो क्या किया, कॉपर ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड को उन्होंने क्या किया, फॉर्म किया. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगी एयर के साथ तो क्या फॉर्म करेगी, मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे Na मीन्स सोडियम, K मीन्स पोटेशियम. मीन्स जब सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो यह क्या करेंगे, ये दोनों वर्बिलेसली क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर को कैच कर लेते हैं. मीन्स वर्बिलेसली मीन्स ये बहुत ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या हो जाते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं. मीन्स ये बर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो इनको बर्न